सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस महीने में यदि सोमवार का व्रत रखा जाए तो इससे न सिर्फ भगवान शिव प्रसन्न होते हैं बल्कि भक्तों की मनचाही मुरादें भी पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सभी बिगड़े काम बनते हैं और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है। इस बार सावन महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इस बार सावन की शुरुआत और अंत दोनों ही सोमवार के दिन से हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 19 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में सावन के सोमवार का पहला व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा। पहले सोमवार का व्रत जो है 22 जुलाई को रखा जाएगा, पहला है। और विधि यह है कि सायंकाल के समय सोमवार के दिन भगवान शिव का पार्थिव वाचन करना चाहिए, उस दिन व्रत रखना चाहिए, उस दिन फलाहार रहना चाहिए। अगर वह फलाहार नहीं रह सकता तो पूरे सावन भर वह कम से कम एक बार भोजन करे, एक बार केवल भोजन करना चाहिए। ऐसे अगर व्रत रहता है तो उसको फलाहार करना चाहिए। सायंकाल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधिवत बिल्वपत्र से उनका अर्चन करना चाहिए, उनका जलाभिषेक करना चाहिए, उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए और विष्णु के निमित्त भी पूजन करना चाहिए सावन के पहले सोमवार। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे वंश की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है और कुल का जो है हमारे जो है नाम और कीर्ति बढ़ती है। इसलिए हमको सावन के पहले सोमवार के दिन सायंकाल पार्थिव वाचन जरूर करना चाहिए और बिल्वपत्र अर्पण करना चाहिए भगवान शिव को। धतूरा अर्पण करना चाहिए उस दिन उनको और मंदार की माला, मंदार माला कुलिताल का यही कपाल माला किंत से खराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो एक मंदार की माला जरूर उनको अर्पण करनी चाहिए, ये सबसे प्रिय है भगवान शिव को। तो मंदार की माला, बेलोपत्र, बेल वृक्ष से बेल का जो है वो लाना चाहिए और ऋतु फल के रूप में आम अर्पण करना चाहिए, नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, विधिवत पूजन करने से भस्म लगाना चाहिए उनको। उस दिन काली तिल्ली के साथ, चावल के साथ काली तिल्ली चढ़ानी चाहिए क्योंकि काली तिल्ली चढ़ाने से जो भी भूत राक्षस आदि जो भी गढ़ शरीर में लगे होते हैं उनका जो है विनाश हो जाता है। इसलिए हमको इनका विधिवत पूजन करना चाहिए। जय विष्णु।